और बीच में जहां सुराख होता है ट्राई एंगलर यानी कि जो तिकोना रास्ता होता है ना होता है इस, इसको जो है ट्रैगस बोलते हैं और जो पिन्ना होता है नीचे जो कान की जिसमें जो है बच्चिया जो है मतलब इसमें सुराख करवा के कुछ गहना वगैरह पहनती है उसको बोलते हैं पिन्ना तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सटर्नल ईयर नहीं है एक्सटर्नल ईयर वहां तक है जहां तक हम आंख से देख सकते हैं तो आंख से हम कहां तक देख देख सकते हैं देखिए जब कान में मैलवैल हो जाता है तो हम आंख में झांक करके देखते हैं जब झांक करके देखते हैं तो एक पाइप सा अंदर तक दिखाई देता है गहराई में हमें फिर बाद में हमें पर्दा सा दिखाई देता है तो जहां तक वो पर्दा सा दिखाई देता है वहां तक एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम आंख से देख सकते हैं यानी कि एक तो ये ऑरिकल ये ऑरिकल कहलाता है ऑरिकल के फिर तीन हिस्से हैं नंबर ऊपर वाला हेलिक्स सुराख के ऊपर वाला जो है ये ट्रेगस है और सबसे नीचे वाला है पिन्ना ये हो गया अब के बाद जो है अंदर ये जो ट्यूब से अंदर ये जो पाइप सा अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक्सटर्नल बाहरी वाली ऑडिटरी यानी कि जिससे सुना जाता हो कैनाल के मैंने रास्ता यानी कि एक ऐसा रास्ता जिससे सुना जाता हो उसके बाद अंदर जो है पर्दा दिखाई देते हैं अगर बहुत गौर से कान को पकड़ के देखते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेमब्रेन और पर्दे तक हम देख लेते हैं इजीली मतलब आंख से देख लेते हैं कान को पकड़ वगैरह करके तो जहां तक हम देख लेते हैं वो एक्सटर्नल ईयर है ठीक है इसमें ये ओरिकल यानी कि बार वाला हिस्सा फिर ये ट्यूब जिस, जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं और अंदर का जो पर्दा होता है पर्दा पर्दा जिसको टिम्पेनिक मेमब्रेन बोलते हैं ये वहां तक के हिस्से को जो है हम देख लेते हैं ये एक्सटर्नल ईयर है फिर ये जो पर्दा होता है जिसको टिम्पेनिक मेमब्रेन बोलते हैं पर्दे के पीछे खाली जगह होती है ठीक है पर्दे के जगह पीछे एक खाली जगह होती है जिसको टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं ठीक है और ये जो टिम्पेनिक कैविटी है ये मिडिल ईयर यानी कि बीच वाला कान है यानी यानी का कि जो पूरा कान है कान जो है से लेकर इनर तक यानी कि कोकलिया तक जहां पर जो है बारीक बारीक घुमावदार पेशदार रास्ते हैं वहां तक हड्डियों तक जो कान की हड्डियां होती है वो सारा का सारा कान कहलाता है अंदर तक ठीक है तो जो बीच वाला जो पर्दे के पीछे खाली जगह है जिसको टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं जो पर्दा है अंदर पर्दे के पीछे खाली जगह होती है प्लीज ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट जो पर्दा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो पर्दा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके पीछे खाली जगह होती है जिसको टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं खाली जगह होती है उसकी टिम्पेनिक कैविटी क्या है वो मिडिल ईयर है यानी कि कान का बीच वाला हिस्सा है मिडिल मिडिल के मैंने बीच में यानी कि एक चीज इधर है एक इधर है एक इधर तो बीच वाली जो जगह है उसको मिडिल बोलते हैं तो जो मिडिल फराना इधर ध्यान दीजिए प्लीज जो बीच वाला हिस्सा है उसको मिडिल बोलते हैं तो मिडि, मिडिल मिडिल ईयर कौन सा होता है टिम्पेनिक कैविटी यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि पर्दे के पीछे वाला हिस्सा समझ रहे हैं? उसको टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हुआ पर्दा टिम्पेनिक कैविटी क्या हुई कान का मिडिल ईयर हुआ और ये जो है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि पर्दे के पीछे वाला हिस्सा हुआ अब जो वो जो खाली जगह है यानी कि जिसको मिडिल ईयर कहा गया उसके पीछे फिर जो है इनर ईयर है यानी कि अंदरूनी उसमें क्या क्या होता है कोकलिया जिसको हाजून हाजून या कोका बोलते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और उसके बाद वेस्टिब्यूल होता है जो कोकलिया है कोकलिया क्या है जैसे कि घोंगा होता है ना घोंगा आपने किसी नदी नाले पानी के किनारे देखे होंगे घोंगे घोंगे से पड़े रहते हैं या बरसात में चलते हैं तो उनमें क्या होता है गोल 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 होते हैं तो इसी तरीके से इंसान के काम के अंदर भी जो है ना गोल गोल रास्ते होते होता क्या है जो हम आवाज सुनते हैं वो आवाज़ क्या होती है वो आवाज उनमें को ऐसे झूझ झूझ झू करके घूमती है और हम उसमें से जो सामने वाला कह रहा है उस आवाज को हम समझ लेते हैं कि फला आदमी इस आदमी ने हमें क्या कहा है क्यों क्योंकि वो जो है बिल्कुल एकदम तो टच में आ जाती है बिल्कुल उसमें कोकरिया में घूमगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं सर्कुलर कहते हैं गोल को सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर यानी कि आधी गोलाई में सर्कुलर बोलते हैं किसी गो, गोल को सर्कुलर बोलते हैं सेमी सर्कुलर जो आधी गो गोल में हो इस तरह की कैनाल्स यानी कि क्या होते हैं रास्ते होते हैं उसके बाद क्या होता है वेस्टिब्यूल होता है यानी कि सद सदफ़े मुजिम उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं ये तीन चीजें जो है ये तीन चीजें किस में होती इनर ईयर में जो बाहरी हिस्सा है उसमें ऑरिकल हो गया और ओरिकल के साथ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गई और यानी कि पर्दा हो गया बीच के हिस्से में क्या है खाली जगह है उस खाली जगह को क्या बोलते हैं टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं सबसे फिर अंदर वाला क्या है उसमें एक तो घोंगे जैसी है घोंगे जैसी हालत है जिसको हजून या कोकरिया बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कि आधी गोल गोल जो चंद्राकार जो है चंद्राकार चंद्राकार जो है क्या होती है नलिया होती है और सबसे अंदर क्या होता है वेस्ट होती है जो कोकलिया होता है उसको हाजून कोका बोलते हैं जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है उसको दहलीज बोलते हैं और वेस्टिबोल को सदफ मुआजिम बोलते हैं ये सारा का सारा क्या होगा ये अंदर तक का कान का हिस्सा हो गया एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर इनर ईयर ये तीन का हिस्सा हो गया ये एक तरीके से मोटी मोटी सी एनाटमी है यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि कान क्या है यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि कान, है। कान क्या है अब जो मिडिल ईयर है आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है प्लीज इतना मैं एनाटमी पढ़ा रहा हूँ इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी सी इतना इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ कान में कौन सी चीज़ परमात्मा ने अल्लाह ने कहाँ लगाई है कान में कौन सी चीज कहाँ लगाई है इतना मैं ये पढ़ा रहा हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान दे लीजिए क्योंकि अगर आपको एनाटमी समझ में आ गई तो बाकी आप बहुत इजीली समझ लोगे एनाटमी का समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ईयर है एक्सटर्नल ईयर का तक होता है पर्दे तक क्यों इसको एक्सटर्नल क्यों क्या कहते हैं क्योंकि ये हम आंख से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या हुआ जो बीच वाला जो होता है जिसको मिडिल ईयर बोलते हैं मिडिल बीच का ईयर कान जो बीच वाला कान का हिस्सा होता है वो क्या होता है टिम्पेनिक कैविटी यानी कि एक खाली जगह है ठीक है अंदर है अंदर पर्दे के पीछे तो वहां से लेकर के और हमारे हलक तक वहां से लेकर के जो जो पर्दे के प्लीज फिल, आप लोग ध्यान दे लीजिए इसमें फायदा हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी पूरी स्टोरी ये फिर ये जो है ना एक कथा बन जाएगी आपके लिए कि स्पेशल सी अजीब सा मामला बन जाएगा ये एक कहानी बन जाएगी इसको समझ लीजिए आप ठीक है जो मैं अनाट में समझा रहा हूं अपने पूरे माइंड को यहां ला करके समझ लीजिए आपके लिए आसान हो जाएगी देखिए जो मिडिल ईयर है जो टिम्पेनिक कैविटी है टिम्पेनिक कैविटी यानी कि जो पर्दे के पीछे की खाली जगह है उससे लेकर के हलक तक नेजो फेरिंग्स तक हलक तक एक नली है जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है जिसका नाम स्टीचन ट्यूब है जिसे यूनानी में नुआने कहते हैं वो कान के बीच वाले हिस्से से लेकर के हलक में खुलती है वो कान में कहाँ होती है पर्दे के पीछे जो टिम्पेनिक कैविटी है पर्दे के पीछे जो टिम्पेनिक कैविटी है उससे लेकर के हलक तक आती है उसको ट्यूब बोलते हैं ठीक है इसकी लंबाई कितनी होती है 36 सेंटीमीटर ये ओस्टियो कार्टिलेजिनस बनी होती है ओस्टियो ओस्टियो यानी कि हड्डी की और कार्टिलेजस यानी कि जो कच्ची हड्डी होती है जैसे ये कान है ना ये कान इस तरह की इस तरह की चीज से बनी होती है यानी कि उसके बनाने में हड्डियां इस्तेमाल होती हैं हड्डी वाला मादा इस्तेमाल होता है और हड्डी के साथ साथ कार्टिलेज वाला मादा भी इस्तेमाल होता है ठीक है यानी कि गुजरूफ से बनी हुई क्या है ट्यूब कहाँ से होती है मिडिल ईयर से लेकर के हलक तक या हलक तक हलक तक यानी को नेजो फेरिंग तक अब देखिए ईयर ओसिकल्स ओसिकल्स बोलते हैं हड्डियों को प्लीज ध्यान दीजिए ओसिकल्स हड्डियों को बोलते हैं ईयर ओसिकल्स यानी के कान की हड्डियां ठीक है यूनानी बोलते हैं अजमाते समा समा के माने होता है सुनना देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं बोलने वाला और आप हैं समा करने वाले यानी के सामे हैं आप आप सामे हैं ठीक है तो आप सुन रहे हैं सामा कहते हैं सुनने वाले को समा कहते हैं वो हड़िया जिनसे सुना जाए अजमात अजमात बोलते हैं हड्डियों को यानी के आ, क्या कहते हैं ओसिकल्स को ओसिकल्स को क्या बोलते हैं अजमात बोलते हैं समा सुनने वाली यानी ऐसी हडिया जो सुनने में मदद करती हो या जिनसे सुना जाता हो अजमत का बोन्स इस जो छोटी हड्डियां होती है उनको ओसिकल्स बोल देते हैं जो छोटी हड्डियां होती हैं उनको ओसिकल्स बोल देते हैं जो वो भी हडिया ही हैं छोटी हड्डियां भी ही हैं उनको भी बोन्स बोल सकते हैं बोन होती है वो लेकिन छोटी हड्डियों के लिए एक स्पेशल नाम है वहां नाम वहां बोन ना बोल करके ओसिकल्स अच्छा लगता है ठीक है और अजमात अजमात कहते हैं अजम हड्डी को बोलते हैं अजमात बोलते हैं हड्डियों को ठीक है हड्डियों को क्या बोलते हैं अजमात अजमात है समा यानी कि ऐसी हड़ियाँ जो के बोलने में मदद करती हैं अजमात समा बोलते हैं मॉडर्न में ये सवाल आया हुआ है सन 2022 में एमडी के एग्जाम में आया था तो आप प्लीज ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है मॉडर्न के हिसाब से जो एलोपैथिक जो इंग्लिश मेडिसिन है उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से वो हड्डियां जो कि आजमाते समय स, समा यानी कि कान की हड्डियां यानी कि ईयर ऑस्कल्स हैं मॉडर्न के हिसाब से तीन हैं ठीक है मॉडर्न के हिसाब से कितनी है तीन है और यूनानी के हिसाब से कितनी है, के है. और मॉडर्न के हिसाब से तीन हैं और गिनती पूछी जाती है वो ज्यादातर मॉडर्न के हिसाब से पूछी जाती है यूनानी के हिसाब से नहीं पूछी जाती है ज्यादातर जो है हड़ियों की जो गिनती है यानी कि जो कान की हड्डियां है वो ज्यादातर मॉडर्न के हिसाब से पूछी जाती हैं यूनानी के हिसाब से नहीं पूछी जाती है तो आप तीन का जवाब देंगे आप चार जवाब नहीं देंगे क्योंकि आज तक के से गया। तो के से तीन, आप तीन बताएंगे अब स्टेचिंग ट्यूब वो ट्यूब जो कान बीच वाले कान से यानी कि मिडिल ईयर से हलक यानी किस में आ रही है इसके दो हिस्से हैं ठीक है इस दो पर दो इसके दो काम है वो वो नली जो मिड मिड ईयर यानी के कान के बीच वाले हिस्से से हलक में नेजोफेनिक्स में आती है उसके दो काम है पहला काम क्या है जो टिम्पेनिक कैविटी है जिसमें टिम्पेनिक कैविटी कान का बीच वाला हिस्सा जिसमें जाकर के वो खुल रही है ठीक है उसको कान की जोफ या कैविटी भी बोलते हैं मैं हवा के प्रेशर को मेंटेन रखना ये हवा के प्रेशर को क्या रखती है मेंटेन करके रखती है उसको जितना हवा का प्रेशर होना चाहिए वो इतना हवा के प्रेशर को बना के रखती है कौन मेहंदी भाई कौन रखती है हवा के प्रेशर को मेंटेन रख के हवा के प्रेशर को मेंटेन बना के रखती है स्टेशन ट्यूब जिसको नुहाने भी कहते हैं ठीक है जो स्टेशन ट्यूब है वो हवा के प्रेशर को कान के कान जो बी कान का जो ईयर है उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखती है यानी कि जितना रहना चाहिए जिस क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो सुनने के लिए इसलिए यह कि वो कान से टकराया कान ने उसको अंदर जो है ना ऑडिटरी कैनाल में डाल दिया उसके बाद जो है यानी पर्दे से टकराए पर्दे ने उसको अंदर की तरफ धकेल दिया वो टिम्पेनिक कैविटी यानी कि मिड ईयर में पहुंच गया मिड ईयर में पहुंचने के बाद चूंकि वो एयर के संपर्क में है वो एयर के संपर्क में है और वहां पे स्टीचन ट्यूब भी है तो एयर का कितना प्रेशर है ना एयर का प्रेशर क्यों रखते हैं वहां पे ताकि आवाज जो हम सुन रहे हैं उसको प्रॉपर सुन सकें

एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कि ये जो कान वाला सुराख है जो सामने से इसके बीच में क्या होता है एक पर्दा होता है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं आम जबान में इसको कान का पर्दा कहते हैं अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को यूनानी में गिशाए तबली कहते हैं टिम्पेनिक मेमब्रेन को क्या बोलते हैं गिशाए तबली अब देखिए जो एक्सटर्नल है उसमें पिन्ना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कि जो सामने वाली जो, जो रास्ता है इसको समाख जाहिरा यूनानी में कहते हैं मैंने नोट्स में आपके लिख दिया है तीन सौ छिहत्तर पेज नंबर पे आप देखिए समाख जाहिरा यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिप्रेगनिक मेम्ब्रेन यानी के कान का पर्दा उसको गिशाए तबली बोलते हैं वैसे तो जब आपको कोई भी सवाल इससे आएगा और कान से सवाल अक्सर और बेशतर आता ही है ऐसा नहीं होता जो कान से सवाल ना पूछा जाए कान से भी दांतों से भी ना कान से तकरीबन सवाल पूछे जाते हैं ठीक है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे को गिशाए तबली कहते हैं गिशा कहते हैं मेम्ब्रेन को क्योंकि पर्दा भी एक तरह की झिल्ली ही है तो उसको क्या बोलते हैं गिशाए तबली बोलते हैं कान भी एक तरह की झिल्ली ही है इसलिए उसको क्या बोलते हैं गिशाए गिशाए तबली बोलते हैं यानी कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके बाद मिडिल ईयर तो क्या है खाली जगह है उसको टिम्पेनिक कैविटी यानी कि जोबा कहते हैं या तबला कहते हैं जैसे तबला बजाते हैं ना तबला डम 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 तो इसी तरीके से वहां पे आवाज जा करके क्या करती है गूंजती है डम डम मतलब आवाज की जो एक सेंस है उसमें एकदम फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और फिर वो जो है अंदर की तरफ जाती है तो वहां उसके अंदर हरकत होती है ठीक है वहां क्योंकि हवा भरी हुई है तो हवा जो है जैसे कि हम अपने जो जैसे मैं बोल रहा हूँ जो मेरे लफ्ज है जो मेरे शब्द हैं जो मेरी बोल चाल है मैं उसको हवा में छोड़ रहा हूँ ना और आप लोग उसे सुन रहे हैं तो आपका जो कान है तो कान के अंदर जो है पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है भाई बाहर वाला कान का हिस्सा उसे नली में फेंक देता है फिर वो पर्दे से टकराती है वहां झन्न की आवाज होती है पर्दे को पता लगता है कुछ कहा गया है उसके बाद क्या होता है खाली जगह में भेज दिया जाता है तो वहां हवा का प्रेशर है उसमें फिर उन शब्दों को उन शब्दों को आकार मिलता है उन शब्दों का आकार मिलने के बाद फिर इनर ईयर में यानी कि जहां हड़ियां हैं सेमी सर्कुलर कैनाल है ठीक है और कोकलियां है वो सब चीजें हैं तो फिर उनमें गूंज गूंज करके गूंज गूंज करके दिमाग को मैसेज पहुंचता है दिमाग को मैसेज क्या पहुंचता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये जो अमल है ये जो एक फंक्शन है ये जो काम है ये इतनी जल्दी होता है कि इधर मैं बोल रहा हूं इधर आप सुन रहे हैं मतलब सेकंड के सौवे भाग के बराबर मान लीजिए हजारवे भाग के बराबर मतलब इधर बोला इधर आपने सुना इधर मैंने बोला इधर और काम कितना हो रहा है पहले यहाँ टकरा कान के बाहर पे ओरिकल पे फिर उसने जो है अंदर जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भेजा फिर वो टिम्पेनिक मेम्बर के पर्दे से टकराया फिर वो जो खाली हिस्सा है टिम्पेनिक कैविटी उसको पहुंचा फिर जो कान के इनर ईयर में जो तीन मेन मेन जो स्ट्रक्चर है उनको मिला और तीन मेन स्ट्रक्चर्स को मिलने के बाद हमारे दिमाग को मैसेज गया हमारी नर्वस सिस्टम को जो मैसेज गया कि सामने वाले ने ये बोला इतना लंबा जोड़ा प्रोसीजर और ये सेकंड के सौवे भाग में हो रहा है ठीक है तो ये एक बहुत फास्ट मैकेनिज्म इधर बोला इधर सुना इधर बोला इधर सुना तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है अब जो कोकलियां होती है कान के अंदर कोकलिया यानी कि जो घोंगे की जैसी शक्ल होती है उसको हाजून या कोका बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कि आधे आधे गोल जो कैनाल होती है दहलीज बोलते हैं वेस्टिबुल को सदब बोलते हैं ट्यूब को नुआने बोलते हैं इन सब चीजों को देख लेना है और उसके बाद क्या टिम्पेनिक मेमरेन को गाय तबली बोलते हैं मेमरेन होती है एक तरीके की ये हमने रफली मोटी मोटी सी जो है एक इसकी एनाटमी पढ़ी है ये एनाटमी हमने क्यों पढ़ी है एनाटमी पढ़ने की वजह यहाँ पे मेडिसिन में क्यों है चूँकि हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं यानी कि बीमारियों वाला जो एक लेक्चर है बीमारियों वाला जो एक सब सब्जेक्ट है जिसको मेडिसिन बोलते हैं हम वो पढ़ रहे हैं फिर मेडिसिन में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं मेडिसिन में पढ़ने की वजह ये है ताकि ये हमारी समझ में आ जाए अनाट क्यों पढ़ रहे हैं हम शरीर विज्ञान शरीर विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं इसमें मेडिसिन में, uh, में इसलिए पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये हमारे अच्छे से समझ में आ जाए हमारी अच्छी समझ में क्यों, जब हम पूरी पूरी स्ट्रक्चर को कान के स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल मिडिल इनर को समझेंगे तो तभी तो हम समझेंगे कि कौन से हिस्से में कौन सी दिक्कत हो सकती है उसकी दिक्कत की वजह क्या हो सकती है तो सबसे पहली जो बीमारी है बीमारी नंबर एक कान की जो पहली बीमारी है वो है डिजीज ऑफ ईयर डिजीज बोलते हैं बीमारियां ऑफ ईयर कान कान की बीमारियां अमराज अमराज कहते हैं मर्ज कहते हैं एक बीमारी को अमराज कहते हैं बीमारियों को उजुन कहते हैं कान को अमराज उजुन अमराज कहते हैं बीमारियों को मर्ज एक बीमारी अमराज बीमारियों को कहते हैं बहुवचन है ठीक है उजुन कहते हैं कान यानी के कान यानी के कान की बीमारियां वजह वजह बोलते हैं दर्द को उल जो है उल यूनान यूनानी में जब भी आप उल समझोगे तो उल एक अरबी लफ्ज है और ये समझ लीजिए कि ये अरबी का एक ट्रांसलेशन का हिस्सा है इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान दे, नहीं देना ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए बना आप ये समझ लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मेडिसिन पे ध्यान देना है अरबी को हम इतना समझेंगे जितना समझ करके हम दवाइयों को और बीमारियों को समझ लें ठीक है ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो हम अरबी में उलझ जाएंगे हमको सिर्फ जो है यहाँ पे मेडिसिन को फोकस रखना है लेकिन अरबी हमें इतनी मतलब ये शब्द हमें इतने यूनानी के इतने आने चाहिए कि हम इनका कम से कम मतलब समझ लें बस काफी है उसके बाद जो है हम फिर चूंकि हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस क्या है यहाँ पर हमारा फोकस है बीमारियों को पढ़ना और उनका इलाज पढ़ना और इसको समझना ठीक है तो जो यूनानी है यूनानी को समझिए लेकिन इसमें जो है उलझिए मत तो वजह वजह के मायने होता है दर्द उल उल को आप समझ लीजिए कि दो लफ्जों को जोड़ने के लिए बना है वजह उल उजन वजह के मैंने दर्द होता है उजन के मैंने कान वजा उल उजन कान का दर्द वजह के मैंने कान के मैंने वजह के मैंने दर्द के मैंने कान यानी वजह के मैंने दर्द और उजन के मैंने कान यानी कान का दर्द उल जो है इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बना हुआ है कान का दर्द कान के दर्द को इंग्लिश में ईयर एक भी बोलते हैं अब इसकी वजह क्या कान का दर्द क्यों होता है कान के दर्द के बारे में डिफिनेशन यानी कि कोई परिभाषा देने की तो जरूरत है नहीं सीधी सी बात है कान का दर्द मतलब कान का दर्द कान में हो रहा है अब इसके बारे में डिफिनेशन और अलग से क्या दें इसके बारे में तो यह है भाई कान में दर्द हो रहा है इसके कारण को जान लीजिए कि इसकी वजह क्या क्या है नंबर एक गर्म रतुबात व गर्म रिया रतुबात कहते हैं कहीं से भी कोई लिक्विड यानी कि पानी की जैसा पदार्थ जो है वो रिस करके आ जाए या तो बाहर से चला जाए या अंदर से ही दिमाग वगैरह से आ जाए गर्म रतुबात व गर्म रिया रिया कह देते हैं हवा को या तो कहीं से गर्म हवा आ जाए अंदर कान में ठीक है चाहे वो बाहर से आ रही है चाहे वो फिर अंदर से ही दूसरे ऑर्गन से आ रही है या गर्म रतुबात यानी कि गर्म टाइप के लिक्विड अगर कान में आ जाते हैं तो उससे दर्द हो जाए गर्म लिक्विड और गर्म हवा अगर कान में आ जाते हैं तो उससे दर्द हो जाता है ठीक है अगर मिडिल ईयर मिडिल यानी कि बीच वाला और इनर यानी कि अंदरूनी कान के अंदर गर्म रतुबार यानी कि लिक्विड यानी कि पानी के जैसा कोई पदार्थ किसी गर्म चीज के इस्तेमाल के कारण गर्म हवा में चलने फिरने की वजह से गर्म पानी में नहाने की वजह से अंदर गर्म पानी चला गया या गर्म हवा में चलने फिरने की वजह से गर्म रियाह या गर्म हवा पहुंच गई ठीक है किसी भी तरीके से अगर गर्म बुखारात या गर्म रतुबात गर्म बुखारात यानी कि गर्म हवा बुखारात गर्म हवा और गर्म रतुबात यानी कि लिक्विड यानी कि पानी या पानी जैसा कोई पदार्थ जब कान में बंद कान में अंदर आ जाता है तो कान में दर्द हो जाता है इसी तरीके से जैसे गर्म चीज चाहे वो लिक्विड है चाहे वो हवा है कान के अंदर जाने से दर्द होता है इसी तरह अगर ठंडी चीज ठंडा पानी ठंडी लिक्विड या ठंडी हवा कान में जाने से भी दर्द हो जाता है सर्द रतुबात व सर्द रिया इसको बोलते हैं रिया बोलते हैं हवा को और रतुबात कहते हैं लिक्विड को यानी कि ठंडे लिक्विड और ठंडी हवा चाहे वो फिर ठंडे पानी में नहाने की वजह से हो या ठंडे मौसम में चलने फिरने की वजह से हो ठंडे लिक्विड व ठंडी हवा ठंडे पानी में नहाने की वजह से ठंडी हवा में चलने की वजह से ठंडी गिजा यानी कि कोई ठंडी आइसक्रीम वगैरह खा ली उसकी वजह से ठीक है ठंडी हवा कान में बंद हो जाए यानी कि कान में दर्द हो जाए तो इसे तनाव पैदा होकर के क्या होता है दर्द हो जाता है गर्म चीज से भी हो जाता है ठंडी चीज से भी हो जाता है सू ए मिजाज हार यानी कि जो सू ए सू के माना होता है एबनोरल एबनॉर्मल एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल से कोई चीज हट जाए उसे कहते हैं सू मिजाज कहते हैं यानी कि स्वभाव हार कहते हैं गर्म यानी कि अंदर का जो स्वभाव है कान का मिडिल या इनर ईयर का वो जो है वो जो नॉर्मल गर्म होता है उससे ज्यादा गर्म हो जाए या तो या सूए मिजाज बारिद बारिद कहते हैं ठंडे को या जो अंदर का यानी कि मिडिल ईयर और इनर ईयर का जो स्वभाव है जो मिजाज है वो जितना नॉर्मल रहना चाहिए उससे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए यानी कि एबनॉर्मल हो जाए या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए यानी कि यानी कि सूए मिजाज हार यानी कि एबनॉर्मल तरीके से गर्म हो जाए या एबनॉर्मल तरीके से ठंडा हो जाए दोनों ही शक्ल में क्या होगा सूए मिजाज हार होगा या बारी जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए यानी कि नॉर्मल से गर्म हो जाए नॉर्मल से ठंडा हो जाए दोनों ही कंडीशन में कान में दर्द होगा नंबर तीन कान में कोई वरम आ जाए कान के अंदर वरम पैदा हो जाए अब नंबर पांच छह क्या है वर्मे रतुबी रतुबी यानी कि वर्मे तहबुजी यानी के अंदर भरभराट आ जाए कान में बाहर से पानी आ जाए या अंदर से कहीं से मवाद वगैरह पान, पानी वगैरह आ जाए तो ऐसा वर्म जिसमें भरभराहट या फिलूड भरा हो फिलूड यानी कि पानी या पानी जैसा कोई पदार्थ कोई मवाद कुछ भी भरा हो ठीक है नंबर सात क्या है कान में पीप पड़ जाए फोड़े पड़ जाए या फोड़ा फुनसी हो जाए उसकी वजह से जो कान में दर्द होता है वो अब आपको याद ये रखना है जो सबसे मेन वजह है कान में दर्द होने की जिसको मानते यानी कि सबसे ज्यादा कान में दर्द होने की जो वजह मानते हैं वो मानते हैं कान में कोई ख... कोई फोड़ा कोई फुंसी पीप कोई छोटी फुंसी कोई सफेद फुंसी किसी भी तरह की फुंसी कोई कान में हो जाए उसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं और सबसे छोटी वजह कौन सी मानते हैं सबसे छोटी मानते हैं वर्मे रथूबी यानी कि कोई कोई नॉर्मल सा पानी कहीं से आ गया और लग रहा है कि कोई चीज निकलेगी कान से तो वो सबसे कम वजह होती है कान में दर्द होने की सबसे छोटी वजह होती है और सबसे बड़ी वजह क्या होती है सबसे बड़ी वजह होती है कान के अंदर फोड़ा फुंसी पीप वगैरह पैदा हो जाए और सबसे कम वजह काम के अंदर ऋतु यानी कि कहीं से कोई पानी जैसा फिलूड या कोई पदार्थ इस तरह का रिस करके या एग्जीडेट होकर के कहीं से आ जाए इसकी निशानियां क्या क्या हैं यानी कि अलामत यानी कि साइन सिम्टम दर्द अगर गर्म रतु, गर्म रतूबत व गर्म रिया से परेशान है यानी कि अंदर जो है या तो गर्म हवा चली गई चाहे वो अंदर से चली गई बाहर से चली गई या पानी चला गया अंदर बाहर से कहीं से भी की वजह से अगर दर्द होगा तो कान में जलन होगी अगर गर्म चीज जाएगी चाहे वो गर्म जो है वो पानी जैसी है यानी कि लिक्विड है रतूबत है या वो हवा है दोनों ही कंडीशन में कान में क्या होगा कान में जलन होगी बेचैनी होगी और मैं आपको बताऊं कान में दर्द रतूबत व रिया यानी कि कान में सर्द रतुबत व सर्द रिया यानी कि ठंडा रतूबत यानी कि कान के अंदर या तो ठंडा पानी चला जाए या ठंडा पानी जैसा कोई पदार्थ चला जाए तो उससे जो दर्द होगा उससे क्या होगा ठंडक का एहसास होगा और कान में दर्द होगा इसमें दर्द की शिद्दत कम होगी यानी कि गर्म अगर चीज चाहे वो पानी है चाहे वो हवा है उससे उससे जो दर्द होगा वो उससे दर्द ज्यादा होगा जलन वाला होगा अगर कोई ठंडी ठंडा पानी या ठंडी चीज चलेगी उससे दर्द उससे दर्द क्या होगा कम होगा अगर कान में वरम हो जाए सूजन की वजह से अगर दर्द हो रहा है तो कान में दर्द के साथ बुखार आएगा अगर सूजन है क्योंकि देखिए तो जो इन्फ्लामेशन होता है जिसको सूजन भी बोलते हैं जिसको वरम भी बोलते हैं इसका एक लक्षण इन्फ्लामेशन का क्या है कि इन्फ्लामेशन में बुखार आ जाता है मान लीजिए बिरंट जताइये ने काट लिया तो उसमें भी बुखार आ जाता है कोई कील चुप गई ठीक है उससे भी कई बार बुखार आ जाता है कोई कांटा चुप गया बड़ा कांटा है उससे चुप गया तो उससे अकड़ाहट होने के बाद उससे भी बुखार हो जाता है एक्चुअली इन्फ्लामेशन का एक साइन जो है वो टेम्परेचर का बढ़ना भी है यानी कि बुखार का होना भी है ठीक है तो कान में वरम अगर होगा तो उससे बुखार आएगा वरमे रतूबी व तहबुजी यानी कि कहीं से जो है पानी रिस करके आ जाए तो उसमें क्या होगा की वजह से अगर दर्द हो रहा है तो मरीज के कान में पानी यानी रतुबात निकलने की शिकायत मिलेगी या एहसास होगा क्या होगा अगर अगर कहीं से पानी एक्जुडेट होकर के आ गए अंदर से ही आ गए मान लीजिए कहीं से तो क्या होगा ऐसा लगेगा जैसे पानी से कोई चीज निकल रही हो अब इनका इलाज क्या है इलाज क्या है मरहम सफेद मरहम मिसरी मरहम बान इनका इस्तेमाल वजाउल उजुन में फ़ायदेमंद है कान के दर्द में क्या फ़ायदेमंद है मरहम सफ़ेद मरहम मिसरी मरहम बान कबीर ये दवाइयां हैं कौन कौन सी मरहम सफेद मरहम मिसरी मरहम बान कबीर अगर वजा उजुन कान का दर्द फोड़े फुंसी की वजह से हो रहा है तो ये जो तीनों दवाइयां हैं कौन कौन सी मरहम सफेद मिसरी बान कबीर ये तीनों मरहम है ये कान में टपकाएंगे कान में आराम होगा ठीक है उसके बाद क्या है अगर वजह उजन यानी कि वजा वजा दर्द वो कहते हैं उजन जो है कान को कहते हैं अगर कान का दर्द जो है कान का दर्द अगर रतूबत यानी कि वरम रतुबत यानी कि वरम में तहबुजी भरभराट की वजह से हो यानी कि कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह का पानी जैसा पदार्थ अगर कान के अंदर आ गया हो तो उसके लिए एक तो अयारिज इस्तेमाल करेंगे अरा अयरिज एक दवाई होती है उसको इस्तेमाल करेंगे और कान में ऐसे मरहम इस्तेमाल करेंगे जो काबिज हों यानी कि जो अंदर जो है ना टाइटनेस पैदा करे कान के अंदर टाइटनेस पैदा हो अगर पानी कहीं से पानी जैसा पानी या पानी जैसा कोई पदार्थ अगर उतर गया है तो दवाई ऐसी डालेंगे जो कि काबिज होगी यानी कि जो अंदर जो है टाइटनेस कान में पैदा करेगी अगर जो पानी या पानी जैसा पदार्थ है वो निकल जाए या जा एडजस्ट हो जाए कहीं भी लेकिन ये है वो कान के अंदर जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन यानी कि वर्म की कंडीशन पैदा ना करे तो कौन कौन सी दवाइये इस्तेमाल करेंगे अगर कान के अंदर जो है तहबू यानी कि भरभराट यानी कि पानी कहीं से उतर आया है तो पहले तो इस्तेमाल करेंगे अयारिश और दूसरे कब्ज पैदा करने वाली कान के अंदर कब्ज नहीं पेट में कब्ज नहीं कान के अंदर कब्ज पैदा करने वाली दवाइयाँ देंगे बिज मरह का इस्तेमाल तहबुजी में इस्तेमाल कराएंगे ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है ठीक है तहबुजी में इस्तेमाल कराएंगे बीमारी नंबर दो डीफनेस एक बीमारी होती है डीफनेस डीफनेस को कम सुनाई देना कम सुनाई देने को क्या बोलते हैं डीफनेस डीफनेस की तीन प्रकार हैं ठीक है तीन प्रकार हैं और तीन टर्म तीन टर्म यानी कि तीन शब्दों के जरिए से हम डीफनेस को समझते हैं डीफनेस को हम तीन टर्मों से समझते हैं तीन टर्म नंबर एक तरश नंबर दो वकर नंबर तीन समम समम नंबर एक तरश नंबर दो वकर, नंबर तीन समम तरश ऐसे कम सुनाई देने को कहते हैं जिसमें कम सुनाई देता हो जिसमें सिर्फ कम सुनाई देता हो ऐसे कम सुनाई देने को तरश बोलते हैं यानी कि कम सुन रहा है वो तरश ठीक है वकर वकर ऐसे कम सुनाई देने को कहते हैं जिसमें सुनता ही ना हो यानी कि ऐसी डिफरेंस को बोलते हैं जिसमें सुन, सुनता ही ना हो ठीक है वकर में क्या होता तो सुनता ही नहीं और समम समम ऐसे कम सुनाई देने को कहते हैं जिसमें सुनाई तो देता ही ना हो साथ में कान का सुराख भी ना हो और ये सवाल कई 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 बार एग्जाम में आया एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक तरफ तो लिख देंगे तरश लिख देंगे वकर लिख देंगे सबम लिख देंगे एक तरफ लिख देंगे कम सुनाई देना बिल्कुल ना सुनाई देना और कान का सौराख ना होना तो आपको मिलाना है जैसे तरश है कम सुनाई देने से मिला दो ठीक है और वक़र है वक़र का मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल ना सुनाई देने से मिला दो और समम समम को जो है किससे मिला दो जिसमें कान का सौराख ना हो आप लोग इनको याद रखेंगे कि तरस में कम सुनाई देना और वक्र में बिल्कुल ना सुनाई देना और समम में कान का सौराख ही ना होना ये तीनों टर्मोनोलॉजी को आप लोग याद रखेंगे ठीक है अब डीफनेस यानी कि कम सुनाई देने के दो प्रकार होते हैं नंबर दे नं, नंबर एक पैदाइशी पैदायशी किसी को सुनाई नहीं देता उसको कंजेनाइटल डिफरेंस बोलते हैं ठीक है यानी कि पैदाइशी तौर पर होने वाली डिफरेंस यानी कि पैदाइशी तौर पर या तो किसी को कान का रास्ता ही नहीं है और दूसरी बात अगर रास्ता है रास्ता तो है लेकिन वो सुनने की काबिलियत सुनने की सुनने की सलाहियत मरीज नहीं रखता है ठीक है अब नंबर तीन है सैनल यानी बुढ़ापे में होने वाली डिफरेंस एक डिफरेंस क्या है मरीज को सही सुनाई देता था सब कुछ है लेकिन उसको कोई दिक्कत होगी उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कंजेनाइटल उन बीमारियों को बोलते हैं जो बच्चा अपनी माँ के पेट से लेकर के पैदा होता है कंजेइटल बीमारियां बोलते हैं एक्वायर्ड उन बीमारियों को बोलते हैं एक्वायर्ड उन बीमारियों को बोलते हैं बच्चे में पैदायशी तौर पर वो बीमारियां वो तकलीफें नहीं थी लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद किसी वजह से किसी इंफेक्शन से किसी चोट से कैसे भी वो बीमारियां जो पैदा होने के टाइम पे नहीं थी पैदा होने के बाद दो बीमारियां पैदा हो गई उस ठीक है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड तो एक्वायर्ड में क्या देखिए जो पैदाइशी है पैदाइशी में एक तो वकर आ गया सुनाई ना कि कान का सोरा के और जो एक्वायर्ड यानी कि बाद में हुआ बाद में क्या है तरश तरश क्या है मान लीजिए सैनाइल सैनाइल कहते हैं बुढ़ापे को बुढ़ापे में चूंकि इंसान के तमाम ऑर्गन तमाम के तमाम शरीर के अंग आजा बूढ़े हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं इसीलिए जो सुनने का जो पूरा सिस्टम है ठीक है एक्सटर्नल मिडिल और इनर जो ईयर का पूरा का पूरा फिजियोलॉजी है वो भी इन ऑर्गन्स के कमजोर हो जाने की वजह से गड़बड़ा जाता है तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है कम सुनाई देने लग जाता है और ऐसे कम सुनाई देने को जो कि पैदाइश के वक्त में ना हो बल्कि बाद में हो बाद में हो तो उसको एक्वायर्ड डिफनेस बोलते हैं ठीक है अब वकर और समम का कारण पैदाइशी हुआ करता है यह चीज मैं आपको बता चुका हूं अब इसकी और आगे क्या है सिर पर चोट लगना यानी कि सिर पर चोट देखिए जो हम बोलते हैं खाते हैं सब देखिए जैसे हमने जबान पे कोई चीज रखी तो हमारे हमें क्या पता लगा ये मीठी है कड़वी है खारी है कहां से पता लगा जो हमारे जबान में जो जो मतलब सेंस, सेंसरी ऑर्गन्स हैं सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो जो एक तरीके से सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है मैसेज पहुंचा देता है अंदर दिमाग को और दिमाग को पता लगता है कि हमने कोई रसगुल्ला मुंह पे रखा है मीठा या हमने कड़वी कोई चीज रखी है या हमने तीखी कोई चीज रखी है ठीक है कि खट्टी कोई चीज़ रखी है तो उसका जायका दिमाग तक कौन पहुंचा देता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को से, सेंसरी जो उसका हिस्सा है वो पहुंचा देता है इसी तरह कान हम क्या कह रहे हैं ये भी हमारे दिमाग को पता लग रहा है इसी तरह हम आंखों से क्या देख रहे हैं ये भी हमारे दिमाग को पहुंचता है तो इसी तरीके से होता क्या है सिर पर चोट लगने से कई बार वो सेंटर मेहंदी भाई ध्यान दीजिए वो सेंटर वो सेंटर जो के इस बात का एहसास कराता है कि दूसरे ने दूसरे ने क्या कहा है वो सेंटर जो इस बात का एहसास दिलाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है मान लीजिए उस सेंटर में ही चोट लग जाए जब उस सेंटर में ही चोट लग जाएगी तो फिर पता ही नहीं लगेगा किसी क्या किसी ने कहा है क्या नहीं कहा है फिर ऐसा कैसा हो जाएगा जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई फिल्म चल रही है और फिल्म को आप म्यूट कर दें बाकी होट मोट तो हिलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिमाग आंखें तो अपना मैसेज पहुंचा रही हैं लेकिन जो है क्या कानों ने अपना मैसेज पहुंचाना बंद कर दिया क्योंकि में चोट लगी थी और उससे जो जो ऑडिट ऑडिटरी सिस्टम है जो कान वाला सिस्टम है ऑडिटरी सिस्टम उड़ गया उसका फ्यूज उड़ गया जब उसका फ्यूज उड़ गया तो सुनना बंद सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ हाथ हाथ हिला रहे हैं ये चल रहा है वो चल रहा है वो होठ हिल रहे हैं कुछ कह कह रहे हैं इतना आंखों से देख करके पता लग रहा है अगर रोशनी है अंधेरा है तो उसका भी खत्म वो भी पता नहीं लगेगा लेकिन क्या कह रहे हैं क्योंकि जो ऑडिटरी सिस्टम है जो सुनने वाला सिस्टम है चूंकि वो डगबा गया है तो सुन ही नहीं देगा तो ऐसे ही क्या जब सिर में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी डीफनेस यानी कि कम सुनाई दे सकता है अब एक्यूट एक्यूट डिजीज देखिए दो तरह की बीमारियां होती हैं एक क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो कि बहुत आराम आराम से चलती हैं ठीक है एक होते है एक्यूट डिजीज यानी कि बीमारी का अचानक हमला तेज हमला बीमारी का अचानक हमला तेज ही हमला तो सिर पर चोट यानी कि हेड एक्यूट डिजीज जो एकदम हमला जैसे कोरोना है कोरोना में आप लोगों ने क्या देखा कि कोरोना से इंसान का टेस्ट गायब हो गया था इंसान को पता ही नहीं क्या खा रहा है खुशबू गायब हो गई थी यानी कि जो सूंघने वाली पावर होती जब सूंघने वाली पावर हो गई थी तो बहुत मुमकिन है कि कोरोना का कोई ऐसा वेरिएंट भी आ सकता था कोरोना की कोई ऐसी टाइप भी आ सकती थी जिसमें सुनना जिसमें सुनना बंद हो जाए वो भी हो सकता था कोरोना तो बहुत खतरनाक इंफेक्शन था ठीक है तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो है वैक्सीन वैक्सीन बना ली गई और मेडिसिन टाइम टूम पे मिलती रही तो ज्यादा बिगाड़ तो बहुत ज्यादा आया लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया कि आ, 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 लोग सुनना ही बंद कर दें लेकिन हाँ लोगों ने जो है सूंघना बंद किया लोगों का टेस्ट खराब हुआ तो क्या हुआ जो टेस्ट वाला सिस्टम है दिमाग में उसको इसने मुतासर किया प्रभावित किया और जो सूंघने वाला सिस्टम है उसको इसने प्रभावित किया कोरोना तो इस तरह ये किस तरह की बीमारी थी ये एक एक्यूट डिजीज थी एक्यूट डिजीज यानी कि जो अपना काम बहुत तेजी से कर रही थी फूफा एकदम बस सारा जला फला दिया एकदम बेड़ा रख कर दिया बॉडी का तो ये क्या थी ये एक, एक एक्यूट डिजीज थी एक बीमारी होती है टीबी क्रोनिक आराम आराम से चलती रहती है खत्म तो वो भी करती है इंसान को लेकिन आराम आराम से तो एक, एक्यूट वो बीमारी जो बहुत तेजी से खत्म करे यानी कि जिसका हमला बहुत तेज हो और थोड़े समय के लिए हो थोड़े ही समय में जो बिल्कुल एकदम सब कुछ जला फला के खराब वराब करके चली जाए और करोनिक वो जिसका हमला जो है आराम आराम से हो रहा है बॉडी को आराम आराम से खराब कर रही है लंबा टाइम ले रही है बॉडी को खराब करने के तो वो बोलते हैं क्रोनिक

उससे हलक में एक लाइन हलक में एक पाइप आता है जो 36 सेंटीमीटर लंबा होता है इसको इस्टि, इस्टि, ट्यूब बोलते हैं नुआने, में बोलते हैं और एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का जो ऑरिकल है एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का कान का हिस्सा है मिडिल ईयर जो पर्दे के पीछे की खाली जगह है जिसको जिस जिसको टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं या इनर ईयर में मिजाज सुजाजिया यानी कि खुशकी पैदा हो जाए इस पूरे कान में कहीं भी खुश्की पैदा हो जाए ठीक है जिससे क्या होगा जो मिजाज है जो स्वभाव है वो बिगड़ जाए और खुशकी पैदा हो जाए इसकी वजह से भी मरीज को कम सुनाई दे सकता है अगर खुशकी आ जाए चाहे उसमें खुशकी आने की वजह फिर कुछ भी हो कच्चा या गाढ़ा बलगम मतलब कच्चा बलगम या गाढ़ा बलगम कच्चे को बोलते हैं खाम गाढ़े को बोलते हैं गलीज मतलब कहीं से कच्चा बलगम या गाढ़ा बलगम फंस जाए आकर के कान में तो उससे भी कम सुनाई दे सकता है और फिर इसका इलाज 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 देखिए वकर वकर और समम वकर बोलते हैं किसी को कान की नली तो है कान तो है लेकिन सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी समम कान ही ना हो यानी कि सुराख बिल्कुल बंद ठीक है तो इन दोनों का कोई इलाज नहीं है बहुत ध्यान से सुनिए वकर और समम का कोई इलाज नहीं है यानी कि जिसे बचपन से सुनाई ना देता हो जो बचपन से ना सुना हो जिसने वो आगे उसका कोई इलाज नहीं है ठीक है लेकिन लेकिन क्या कहते हैं तरस तरस यानी कि पहले सुनाई देता था बुढ़ापे की वजह से नहीं देता या सिर में कोई चोट लग गई उसकी वजह से नहीं सुनाई देता उसका इलाज क्या है उसका इलाज है आ, उसका इलाज क्या है सुनने की मशीन हियरिंग एड ठीक है सुनने की मशीन दे देते हैं ठीक है उसका इलाज है तो अगर एक्यूट यानी कि सफरावी डिजीज अमराज हादा की वजह से अगर डिफनेस होती है तो उसमें दवा रुमान इस्तेमाल कराई जाती है यानी कि कोई बहुत तेजी बीमार आई बीमारी आई ज्यादातर जा जो बीमारियां बहुत तेज आती हैं तो यूनानियंस का ये मानना है जो यूनानी के अतबा उनका यह मानना है कि ज्यादा सबसे तेज होता है सफरा तो जो जितनी भी ज्यादातर एक्यूट डिजीज़ होते हैं ज्यादातर वो सफरा की वजह से आते हैं ऐसे इनका मानना है ठीक है तो एक्यूट डिजीज किसकी वजह से आएगी सफराई की वजह से आएगी तो उसमें दवा क्या होगा होगा दवा रुमान इस दवा का नाम दवाए रुमान है यानी कि एक्यूट डिजीज जो होगी जो बहुत तेजी के साथ आएगी उसका इलाज दवाए रुमान है अगर मरीज के कार में खुश्की पैदा हो जाए चाहे वो किसी भी वजह से हो जाए ठीक है सुनिए प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अगर मरीज के कार में खुश्की है चाहे फिर वो किसी की वजह से भी है एबनॉर्मल मिजाज की वजह से है ठीक है या गर्म हवा की वजह से है या गर्म पानी वानी कहीं से गिर गया कैसे भी है अगर कान के अंदर खुश्की है सूए मिजाज याबिस है सू का मतलब एबनॉर्मल मिजाज का मतलब टेपर याबिस है तो उसके अंदर जो डीफनेस यानी कि कम सुनाई देने लग रहा है तो उसका इलाज सुन लीजिए उसका इलाज है शीरे दुख्तर शीर कहते हैं दूध को दुख्तर कहते हैं बेटी को यानी ऐसी माँ जिसकी गोद में बेटी हो लड़की हो ऐसी मां का दूध जिसकी गोद में बेटी हो शीरे दुख्तर बोलते हैं शीर के मैंने दूध दुख्तर के मैंने लड़की यानी ऐसी मां का दूध जिसकी गोद में लड़की हो और ऐसी मां का दूध जिसकी गोद में जिसकी गोद में बेटा हो शीरे पिसर कहलाता है शीरे पिसर कह कहलाता है ऐसी मां का दूध जिसकी गोद में बेटा हो शीरे पिसर कहलाता है और शीर दुख्तर जिसकी गोद में बेटी हो तो वो माँ जिसकी गोद में बेटी हो उसका दूध कान की खुश्की केल में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी गोद में बेटी हो अगर कच्चा या गाढ़ा बलगम आ गया है कहीं से कान में उतर गया है तो बलगम के मुनिज मुंजिज व मुसील यानी कि ऐसी दवाइयां देंगे जिससे टट्टी में दस्तों में जो है क्या हो जाए दस्तों में बलगम निकल जाए वो दवाइये कौन कौन सी है तुरबुदे हंजल है ठीक है तुरबुद है हंजल है सुरंजान है उसत तो खुद्दूस है मुकिल है कुश्त है जलापा है हब्बुल नील है सना है सना मक्की है शिकाई है गारी खून है ये सारी दवाइये मैं आपको जो है गाउट में और गाउट में और आर्थराइटिस में पढ़ा चुका हूं क्योंकि तो गाउट और आर्थराइटिस की गाउट की जो वजह होता है वो तो यूरिक एसिड होता है लेकिन आर्थराइटिस की सबसे ज्यादा जो कॉमनेस्ट वजह है वो बलगम है बलगमी मादा है जो कि हजमे चारुम के वेस्ट के रूप में हमें मिलता है तो ये सारी दवाइयां वहां भी इस्तेमाल होते हैं आर्थराइटिस में भी होती हैं ठीक है कौन कौन सी तुरबुद हंजल सुरंजान उसत खुदस मुकिल पुस्त जलापा हब्बुल नील सना मक्की शिकाई गारी खून वगैरह जो है ये अलग अलग जड़ी बूटियां हैं ये मरीज को खिलाते हैं जिससे कि कान के अंदर जो बलगमी मादा चाहे तो बलगम खाम यानी कि कच्चा कच्चा बलगम है या बलगम गलीज यानी कि पक्का बलगम है फंस गया है अब ये अब हम पढ़ेंगे बीमारी नंबर तीन इन सिबाब नजला इन सिबाब कहते हैं ठुक जाने को नजला यानी कि नजला कान में नजला ठुक जाना ऐसे यानी कि कान में नजला फंस जाना यानी कि कान में नजला हो जाना ठीक है ट्यूब देखिए प्लीज दे, अटेंशन जो मिडिल ईयर है जो टिम्पेनिक कैविटी है यानी कि खाली जगह है पर्दे के पीछे का हिस्सा है जब वो गले से मिल रहा है जो छत्तीस सेंटीमीटर की एक, एक नाली है एक कैनाल है ठीक है एक ट्यूब है इसके अंदर क्या है ये इसके इसके अंदर इसके अंदर से अगर नजला अगर नजला किसी तरीके से कान में चला जाए देखिए एक चीज होता है नजला एक चीज होता है जुकाम और ये दोनों चीजें एक चीज में तो है सेम और एक चीज में है अलग अलग ये सवाल आया हुआ है ध्यान दीजिए जहां मैं ये बोलता हूँ ये सवाल आया हुआ है आप याद रखिए वहां से आपको सवाल पूछने की बहुत ज्यादा उम्मीद है आप अपने आप को पूरा प्रेजेंट रखें तो नजला और जुकाम एक मायने करके दोनों एक चीज है चूंकि ये दिमाग की नजलावी रतुबत यानी कि दिमाग की न, दिमाग की नजलावी रतुबत है या, यानी कि जो म्यूकस फिलूड है दिमाग में जो कि नीचे टपकना है तो दोनों की दोनों दिमाग की नजलावी रतुबत से शुरू हो रहे हैं नजला भी और जुकाम भी तो यहां इस मायने कर दोनों के दोनों एक हैं नजला और जुकाम के अंदर सिमिलरिटी क्या है इनका ओरिजिन ओरिजिन यानी कि जहां से शुरू हो रही वो एक च, एक चीज़ है क्या दिमागी नजलावी रुतूबत यानी कि दिमाग से कोई भी वो मादा वो पदार्थ जो दिमाग से जो है रिश्ता है नीचे की तरफ नाक में और हलक को वो एक ही तरह का मादा होता है एक ही तरह का पदार्थ होता है जिसको दिमागी 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 नजलावी रुतूबत कहते हैं अब ये जो दिमागी नजलावी रुतुवत है जो नाक में गिर जाता है वो जुकाम और जो हलक में गिर जाता है वो नजला जो नाक में गिर जाता है वो जुकाम और जो हलक में गिर जाता है वो नजला और इसको याद रखने का सबसे अच्छा फंडा यह है हलक में ले आया है नजले में भी ले आया है तो ये मान लीजिए नज़ला हलक से मिला है और जो बाकी रह गया जुकाम अपना वो नजल कैमेटी में गिर जाएगा ठीक है तो जो हलक में नज़ला गिरा है वहां पे क्या हुआ कान से स्टीफन ट्यूब आई है तो ईस्टिच ट्यूब से फिर वो क्या होगा अंदर कान में पहुंच जाएगा पहुंच सकता है ना जब ये पाइप बन गया हलक से कान के अंदर यानी कि पर्दे के पीछे जो कैविटी होती है वहां से जुड़ रहा है प्लीज ध्यान दीजिए ये आपको समझने में आसानी देगा जो कान में अंदर पहुंच रहा है तो अगर वो नजलावी रतूबत जो के हलक में गिरी थी हलक से कहां पहुंच जाए कान में पहुंच जाए पर्दे के पीछे पहुंच जाए तो वहां वहां क्या हो गया नजला ठुक गया तो इस मायने कर नजला और जुकाम अलग अलग है क्योंकि नजला कहां गिरता है हलक में जुकाम कहा गिरता है नाक में और ये जो हलक में गिरा हुआ नजलावी रतुबत के बलगमी है ये अगर ट्यूब के जरिए से कान में पहुंच जाए तो वहां क्या वो क्या हो गया वहां पर नजलावी रतुबत पहुंच गई अब जब वहां नजलावी रतुबत पहुंच गई यानी कि डिसफंक्शन ऑफ स्टीचन ट्यूब असल में स्टीचन ट्यूब का ये काम नहीं है लेकिन डिसफंक्शन यानी कि अगर उसका काम खराब हो जाए अगर उसका काम खराब हो जाए वैसे तो स्टेशन ट्यूब का क्या काम है स्टेशन ट्यूब का जो काम है स्टीचन ट्यूब का तो टिम्पनिक कैविटी यानी कि में हवा के प्रेशर को मेंटेन रखना और दूसरा बोलते समय आवाजों को साफ रखना लेकिन इसका डिसफंक्शन है ये यानी कि इसके काम की खराबी है ये कि मादा इसके जरिए से पहुंच जाए नहीं तो इसका काम क्या इसमें तो हवा के प्रेशर को मेंटेन रखना और आवाजों को साफ करना है ना लेकिन अगर नजला भी रतुबत कान में पहुंच जाए डिसफंक्शन ऑफ ट्यूब इन नजला यानी कि नजला ठुक जाना इसके जरिए से ऊपर अब नोट जिन लोगों को नजला रहता है कंटिन्यू उसको बोलते हैं क्रोनिक कोरिजा जिन लोगों को पुराना नजला रहता है तो हो सकता है उनके हलक से जो है नजला कान में पहुंच जाए ठीक है कि इसीलिए जब नजला होता है प्लीज अटेंशन प्लीज ध्यान दीजिए इसीलिए जब नजला होता है तो ऊंचा सुनाई देने लग जाता है जब नजला होता है तो नजले में ऊंचा सुनाई देने लग जाता है क्यों क्योंकि नजला भी कुछ ना कुछ मादा हलक से होकर के कान में पहुंच जाता है से जो है है कान में पहुंच जाता है। तो इसलिए ऊंचा सुनाई देने बार बार गिरकर उस ट्यूब को ब्लॉक कर देती है ब्लॉक बार -बार कर, कर देती है जो मिडिल ईयर को से जोड़ती है मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ती नजर आवी रतुबत क्या होती है इसमें फंस जाती है अब इस ट्यूब को नुआने को ट्यूब का यूनानी नाम क्या है नुँआने. नुँआने को ब्लॉक होने पर मिडिल ईयर मिडिल ईयर यानी के यानी के के कान के पर्दे के यानी के टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे वाली जो ट्यूब कैविटी है में ईयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वहां एक ईयर का प्रेशर बना रहना चाहिए ईयर का प्रेशर क्यों बना रहना चाहिए क्योंकि जो शब्द है ना शब्द वो हवा में ही तो गूंजते हैं अब हवा का जो एक नॉर्मल नॉर्मल अंदर प्रेशर होगा तो वो वहां पे उन शब्दों को बनाएगा वो शब्द जो है जब इनर ईयर में जाकर के दिमाग को पहुंचेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेहंदी भाई क्या कह रहे हैं ये मेरा कोई भी स्टूडेंट क्या कह रहा है तो कब पता लगेगा जब वो मिडिल ईयर से इनर ईयर में गया और हवा का प्रेशर वहां सही था लेकिन अगर नजलावी रतुबत स्टिचिंग ट्यूब में फंस गई तो जब प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ क्या हुआ मिडिल ईयर का प्रेशर घट गया जब मिडिल ईयर का प्रेशर घट गया तो उससे क्या हो गया उससे फिर डिसफंक्शन ऑफ स्टिचिंग ट्यूब होकर के गड़बड़िया पैदा हो गई क्या होगा प्रॉपर एयर कंडक्शन नहीं होता और कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस यानी कि कंडक्ट यानी कि एक तरह का कम सुनाई देना शुरू हो जाता है ठीक है मिडिल ईयर में सबसे ज्यादा जो इंफेक्शन पहुंचता है वो स्टिचन ट्यूब से ही पहुंचता है क्योंकि स्टिचिंग ट्यूब क्या हलक से मिली हुई है और हलक से कोई भी मादा कान में पहुंच जाता है कई बार जब हम बहुत मिर्च वाली चीजें खा लेते हैं तो हमारे कानों में को मिर्चें निकलती हैं क्यों क्योंकि हलक में जब वो चीज गई तो हलक से स्टीचन ट्यूब के जरिए से मिडिल ईयर में गई और मिडिल ईयर से फिर क्या होता है वो जो उसका कान जो मिर्च के जो भाप है वो कान में को निकली और कान में को निकल के हमें महसूस होता है जैसे कोई चीज निकल रही हो इसलिए मिर्चें जो हैं खाई मुँह से जाती है निकलती कान में को है स्टीचन ट्यूब के जरिए से ठीक है। ट्यूब से पहुंचते हैं इस डिजीज आ, इस डिजीज ऑफ नोज में मुख्य भूमिका निभाते हैं यानी कि खास काम करते हैं ट्यूब की वजह से कान में खराबी को स्टिचन ट्यूब डिस्फंक्शन कहते हैं स्ट्रिच ट्यूब में नजलावी रतुबत की वजह से ब्लॉक होने पर देखिए एक, एक चीज होती है सिफले समात सिफले समात का मतलब होता है सिफले समात एक शब्द है सिफले समात मैंने नोट्स में लिखा है आप लोग ध्यान दे लेना सिफले समात का मतलब होता है ऊंचा सुनना एक होता है लॉस ऑफ हियरिंग देखिए देखिए एक होता है डीफनेस उसको हम पढ़ के डीफनेस का मतलब ऊंचा सुनाई देना होता है लेकिन डीफनेस का जो मैटर होता है डीफनेस का मतलब होता है एक तरीके से बहुत कम सुनाई देना लेकिन लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब इतना कम सुनाई देना नहीं एक तरीके से भार, भारी सुनाई देना होता है इसका मतलब ठीक है सिफले समात यानी कि ऊंचा सुनाई देना वर्मे उजन वर्मे उजन उजन कान को बोलते हैं वर्म सूजन को बोलते हैं यानी कि कान में सूजन तनीन व दवी तनीन व दवी कान में भन्नाहट सुनाई देना भन्नाहट सुनाई देना वह ऐसी आवाजें सुनाई देखिए दे तनीन व दवी को आप जो इंपोर्टेंट समझ लीजिए क्योंकि ये आया हुआ है ठीक है तनीन व दवी कान में भन्नाहट सुनाई देना वह ऐसी आवाजें सुनाई देना जो हकीकत में नहीं होती कान में ऐसी आवाजें सुनाई देना जो हकीकत में नहीं होती ये सब बीमारियां पैदा हो सकती है कैसे स्टीचन ट्यूब के डिस्फंक्शन से स्टीचन ट्यूब जो हलग से कान को जोड़ रही है उसके डिस्फंक्शन से क्या हो सकता है टीनीटस यानी कि तनीन व दवी मेरी बात सुनिए तरीन दवी क्या है तरीन वी ये है कि सच में वैसे तो कोई आवाज नहीं है लेकिन आदमी कह रहा है जी मुझे तो दे रहा। अब कैसी कि जैसे उड़ रही हो जैसे कोई झूठू बोल रहा हो ठीक है अजी मुझे तो ये सुनाई दे रहा है लेकिन सच्चाई है वो आवाजें नहीं होती वो ख्याली यानी कि झूठी यानी कि फ्रेबी आवाजें होती हैं उनकी कोई हकीकत में वैल्यू नहीं होती तो इस तरह की आवाजें जब कोई मरीज सुनता है तो उसको बोलते हैं तनीन वह दवी ऐसी आवाजें जो रियल में नहीं है सच्चाई में नहीं है लेकिन मरीज सुन रहा है रियल में ऐसी आवाजें नहीं है लेकिन मरीज सुन रहा है तो ऐसी वो आवाजें जो होती नहीं है लेकिन मरीज को लग रहा है कि आवाजें आ रही है तो वह तनीन व दवी इंग्लिश में टीनिटस बोलते हैं ठीक है मरीज कानों पर हाथ रख के बैठ जाता है मरीज का तो फो मैं परेशान आ गया हूं क्योंकि मरीज को ऐसा जैसे बहुत सारी मक्खियां आ गई और वो भन की आवाज कर रही तो मरीज को ऐसा महसूस होता है ठीक है मरीज परेशान हो जाता है और हो जाता है मरीज बिल्कुल ठीक है तो इसको बोलते हैं तनीन व ये सब बीमारियां पैदा हो सकती है कैसे जब स्ट्रेचिंग ट्यूब से कोई भी इंफेक्शन कोई भी मादा कोई भी पदार्थ कान में पहुंच जाए इलाज क्या है इसमें इलाज ऐसे करते हैं जैसे नजले का इलाज करते हैं यानी कि भाई नजला भी रतुवत लेटरिन में निकाल देते हैं मुसिल दवाई दे करके ठीक है वही मुसल जो मुसिले मुसिले बलगम होती है जैसे तुरबुद हंजल सुरनजान मुकिल पुस्त जलापा बिन असना मकी शिकाई गारन वगैरह जो भी दवाई है वो सारी देंगे अगर लग रहा है कि नज नज़ला दिमाग में कान में चढ़ गया तो उसी की वजह से जो है वो पाखाने में निकल जाएगा और वो जो भन भन की आवाज़ आ रही है वो बंद हो जाएंगी ठीक है और उसमें आराम हो जाएगा अब नुस्खा क्या है इसका गरगरा गुलनार व कोकनार यानी कि कोकनार और गुलनार ये दवाइयों के नाम नु है इनके गरगरे कराएँ गरगरे समझते हैं किसको कहते हैं पानी डाला और ऐसे करके उसको गरगरा बोलते हैं ठीक है, है। गरगरा किन दवाइय से करते हैं गरगरा के वो जो अंदर है जो कान में अंदर है क्योंकि कहीं ना कहीं हलक का हलक का कॉन्टेक्ट है कान से तो वो जो नजलावी रतूबत है या वो हार या बारिश जो भी रतूबत है वो बाहर निकल जाए क्योंकि नजला हार भी होता है नजला बारी भी होता है आपने देखा होगा जो गर्मियों का नज़ला होता है ना वो सर्दियों के नजले से खतरनाक होता है ठीक है तो नजला गर्मियों का भी होता है नजला सर्दियों का भी होता है तो नजला हार नजला बारी सौ चौरासी खोल लीजिए तनीन व दवी को थोड़ा सा और समझ लीजिए ऐसी आवाज जो हकीकत में नहीं होती ये रियल रियल साउंड्स नहीं होती रियल आवाजें नहीं होती लेकिन मरीज कहता है मुझे भन्नाट सुनाई दे रही है मैं परेशान हूं ठीक है तो क्या है तनीन व दवी टीनिटस है अब तनीन व दवी को कई बार ये पूछ लेते हैं कि मॉडर्न में तनीन दवी कितनी होती है, कि जो है वो मॉडर्न के हिसाब से कितनी है, तो है? एक 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 दिमागी इसमें ज्यादातर पूछ लेते हैं या तो क्या पूछ लेते हैं या तो इनके नाम पूछ लेते हैं या गिनती तो पूछ लेते हैं, तो लेते हैं, लेते हैं कितनी है बस इनको इतना ही ध्यान रखिए अब आगे क्या नोट देखिए एक चीज को ध्यान रखना एक तो होता है तनीम एक दवी जिसका मायने क्या होता है टीनिटस यानी कि वो आवाज है जो रियल में नहीं है जो सच में नहीं है जो भी बिल्कुल है नहीं लेकिन सुनाई दे रही है मरीज को उसको तनीन व दवी कहते हैं ठीक है तो तनीन और दवी अलग अलग क्या चीज है तनीन तय तनीन तय तेज जो तनीन वाली आवाज होंगी वो तेज होंगी और बारीक होंगी ऐसे बिल्कुल वो क्या होगी तनीन और दवी क्या होगी नरम दवी नरम और बड़ी नरम नरम बहुत प्यारी सी आवाज होगी लेकिन बड़ी होगी और ये जो तनीन है ये चुभने वाली आवाज होगी एकदम एकदम तेज होगी और बारीक होगी और दवी जो होगी नरम होगी और फैली हुई होगी और बड़ी आवाज होगी तो ज्यादा तकलीफ कौन पहुंचाएगी तनीन पहुंचाएगी उससे कम दवी लेकिन ये ज्यादातर दोनों होती हैं यानी कि तकलीफ भयंकर होती है क्या, क्या -क्या है? है पढ़ भी चुके हैं है ठीक है सिर के वेस्ट सिर के मवाद यानि कि सिर में दिमाग से जो मवाद है वो किसी तरीके से कान में पहुंच जाए ठीक है खुश्की और भूखा रहने की वजह से अगर कोई शख्स किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है मान लीजिए खाना नहीं खा पा रहा है ठीक है किसी भी वजह से तो खुशकी आएगी तो उसकी वजह से भी टी ये क्या हो सकता है तनीन वदबी हो सकती है जिसम खुश्की पैदा करने की कोई भी वजह हो सकती है ठीक है जैसे इंसान के जिसम से दस्तों वगैरह में पानी निकल जाना या कोई भी वजह हो जैसे बाहर गर्मी में काम करना वगैरह वगैरह अब एक क्या होता है कमजोरी की वजह से भी तनीन वदबी होती बहुत ज्यादा कोई कमजोर हो गया है ठीक है तो उसकी वजह से भी उसको भी वो आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो हकीकत में होती नहीं है ठीक है तो उसको भी हो सकती है इलाज क्या है रोगन खीरी का इस्तेमाल तनीन वदबी में फायदेमंद है रोगने खरी का इस्तेमाल तनीन व दवी में फायदेमंद है यानी कि जब कान में डालते हैं तो उससे फायदा हो जाता है नोट अगर टीनिटस के साथ डीफनेस भी हो यानी कि वो आवाजें जो हकीकत में नहीं है वो सुनाई दे रही हैं उसके साथ अगर डीफनेस भी हो यानी कि मरीज कम भी सुनाई देता हो मरीज कम भी सुनाई देता है और साथ में उसको ऐसी चीजें मतलब एक तो मरीज कम सुनाई देता है दूसरे वो सुनता है जो होती नहीं है डबल डबल परेशानी तो ये ज्यादातर क्या होता है ये बीमारियां कई बार साथ हो जाती हैं और जब ये साथ हो जाती है तो इसको मिनियर्स डिजीज बोल देते हैं क्या बोल देते हैं इसको इसको मिनियर्स यानी कि एक तो मरीज कम सुन रहा है और कम सुनने के साथ साथ उसको वो चीजें सुनाई दे रही है जो है ही नहीं ठीक है तो उसको बोलते हैं मिनियर्स डिजीज इसमें पूछा जाता है कि टिनिटस और डीफनेस के मिलने से जो एक नई बीमारी बन जाती है उसको क्या बोलते हैं मिनियर्स डिजीज मिनियर्स डिजीज के तीन टाइप है नंबर एक टनीटस नंबर दो सेंसोन्यूरल डिफनेस नंबर तीन फुलनेस ठीक है ये कई बार ये पूछ लेते हैं कि मिनियस डिजीज के कितने टाइप है तो तीन टाइप है नंबर एक टीनिटस नंबर दो सेंसोनल और नंबर तीन इनको नाम को याद रखना है ठीक है अक्सर अक्सर तनीन व दवी के साथ सिफले डीफनेस भी पाई जाती है यानी कि जहां पर टिनिटस होता है वहां पे खाली टिन, टिनिटस नहीं होता मिनर्स डिजीज ही होती है यानी कि अगर किसी को ऊंचा सुनाई दे रहा अगर किसी को टिनिटस है

और उसल कहते हैं जड़ को उल को छोड़ दीजिए उज़न कहते हैं कान को यानी कि कान की जड़ का वरम कान की जड़ क्या बोलते हैं ये कान जहां पे ये जो ये जो ओरिकल जुड़ा हुआ है ना ओरिकल बाहर वाला ये जो ये जुड़ा हुआ है, इसकी जड़ को बोल देते हैं वरमे उसुल उजुल कान की जड़ का इन्फ्लामेशन इसको क्या बोलते हैं इसको पेरो पेरोडाइटिस भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे पेरोटिट ग्लैंड होती है ना यहाँ पर प, कान की जड़ में पैरोटिड ग्लैंड होती है तो पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन को पैरोटिडाइटिस बोलते हैं तो ये जो कान की जड़ का इन्फेक्शन देते हैं मेहंदी भाई ध्यान दीजिए ठीक है इसको कन्फेड़ा भी बोल देते हैं कनफेड़ा जिसको हापू भी बोल देते हैं हापू निकल गए हो कान की ठीक है कई चीजें बोल देते हैं इसको ठीक है वर्मे गुदुदे नक्फिया नक्फिया बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड को यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन ठीक है या कान की जड़ का इन्फ्लामेशन उजुन

अलामा नजीबुद्दीन समरकंदी ने अमा नजीबुद्दीन समरकंदी ने मम्स की यानी कि पैरोडाइटिस की यानी कि वर्म की यानी कि कान की जड़ का इनफ्लामेशन की चार टाइप बताई हैं कि हो सक ये जो वरम उसन है यानी कि कान की जड़ का यानी कि जो हप्पू निकल जाते हैं इसकी चार वजह हैं सबसे पहले इन्होंने इसकी वजह बताई है दमवी फिर बताइए सफरावी फिर बताइए बलगमी फिर बताइए सौदावी क्योंकि नजीबुद्दीन समरकंदी साहब ये समझते हैं कि ये जो पैरोडाइटिस है या उसलुल उजुन है ये गर्म वर्मों से ये गर्म मादों से पैदा होता है तो गर्म क्या है गर्म खून है सफरा है ठीक है उस तो इन्होंने दमवी और सफरावी मादे को पहले रखा है जब आप आर्थराइटिस में जाएंगे तो आर्थराइटिस भी मादे के हिसाब से चार तरह की होती है नंबर एक किसकी होती है बलगमी होती है ठीक है तो वहां बलगम शुरू में है फिर दम भी होती है फिर सफरावी होती है फिर ठीक है वहां बलगम शुरू में है और यहाँ बलगम क्या है यहाँ बलगम तीसरे नंबर पे क्यों क्योंकि वो बीमारी जो आर्थराइटिस है वो बीमारी नजले से यानी कि ठंडी चीजों से ज्यादा होती है ठीक है ये जो बीमारी है जिसमें कान पक जाता है यानी कि आपको ये ये गर्म चीजों से होती है वो ठंडी चीजों से होती थी आर्थराइटिस जो गठिया है गठिया ठंडे मादों से होती थी इसलिए वहां वरम आया था ऊपर यहाँ गर्म चीजों से ये बीमारी हो रही है यानी कि कान जो है कान जो पकता है कान की जड़ जो पकती है मम्स जो होता है यहाँ गर्म इसलिए खून ऊपर रखा गया खून के बाद सफरा ऊपर फिर सफरा के बाद बलगम फिर बलगम के बल्गम सौदा तो अगर किसी को दमवी है यानी कि मम्स दमवी है पैरोडाइटिस पेराडाइटिस वर्मे उजुन यानी कि कान जो पक रहा है वो दमवी यानी कि खूनी मादे की वजह से पकड़ा है खून पदार्थ से पकड़ा है तो उसमें जलन होगी सूजन होगी लाली पाई जाएगी और अगर सफरावी मादे से सफरावी पदार्थ से है तो दर्द ज्यादा होगा बुखार तेज होगा क्योंकि सफरा की जो गर्मी है प्लीज ध्यान दीजिए अगर सफरा की जो सफरा की जो गर्मी है वो खून की गर्मी से ज्यादा होती है तो वहां पे तेज बुखार आएगा दर्द ज्यादा होगा बलगमी में क्या ठंडा मिजाज है सूजन ज्यादा होगी भरभराट होगी दर्द कम होगा सौदावी सौदावी जो मादे होते हैं वो खतरनाक टाइट मादे होते हैं ठीक है तो सख्ती होगी यानी कि हार्डनिंग होगी जो होगा उसमें ठीक है ये बीमारी बच्चों को आमतौर पर पाई जाती है मम्स पैरोडाइटिस और मौसम वो समय मौसम कहते हैं ऑटोमन सीजन को और मौसम बहार यानी कि स्प्रिंग सीजन में पाई जाती है ये वबा यानी कि एपिडेमिक यानी कि एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को ऐसे फैलती है कौन सी में में गदफिया ठीक है मम्स ये जो बीमारी है एक ही बीमारी है इसके चार नाम है ये किस में फैलती है ज्यादातर ये बच्चों में फैलती है और और वबा के तौर से फैलती है इलाज अगर कनफेड़ा दमवी पदार्थ की वजह से हो तो कीफाल की रग खोलेंगे कीफाल क्या है जब हम इसको बाजू का ऐसे करते हैं तो जो बाहर की रग है जो कोहनी से और कर, जो कोहनी से और कलाई से बाहर की रग है इसको कीफाल बोलते हैं और कीफाल के साथ साथ इसको तो सरारू भी बोलते हैं और सरारू जो रग है ज्यादातर उन बीमारियों में खुलती है सर सर और रू रू कहते हैं चेहरे को यानी चेहरे और सिर की बीमारियों में ज्यादातर ये खुलती है तो अगर वर में उसूल अजन पैरोडाइटिस मम्स वर में वर में गद, गदफिया जो है ये उस उनमें फैलती है जिनमें अगर खून की वजह से फैल रही है तो किफाल के रख खोलेंगे किफाल कहाँ होती है कोहनी से बाहर की तरफ को और बाहर से जो है बाहर से जो है कलाई के बाहर तक आएंगे कोहनी के बाहर से कलाई यहाँ से बीच में कहीं भी खोल लीजिए ठीक है वैसे ज्यादातर जो है यहाँ से कड़ाई से खोल सकते हैं या यह ज्यादातर यहां से खोलते हैं और इतनी खोलते हैं जितनी मरीज बर्दाश्त कर सके उससे ज्यादा नहीं खोलते हैं अगर सफरावी है बलगमी है सौदावी अगर सफरावी है तो ऐसी दवाई देंगे जिससे सफरा तबाही सफरा सफा लेटरिन में निकल जाए बलगमी है तो ऐसी दवाई देंगे जिससे बगैर बलगम यानी कि अब नॉर्मल बलगम लेटरिन में निकल जाए पाखाने में निकल जाए और अगर सौदावी है तो गैर तबाही सौदा जो है वो पाखाने में निकल जाए ऐसे करेंगे ये इलाज करेंगे वरम को घोलने के लिए दवाइये देंगी देंगे ठीक है गुले केसु केसु के जो फूल होते हैं ना केसु को फूल वो क्या करते हैं वरम को घोलते तो केसु के फूल फूल का जो है केसु को फूल को वरम को जो पेराडाइटिस है इसको घोलने में क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं आराम हो जाता है नोट एक चीज मैं आपको थोड़ा सा में बता रहा हूं ये चीज मम्स से बचाव के लिए बच्चों को जबकि वो नब्बे महीने में होते हैं बच्चे एम एम आर मम्स मिजल्स रूबेला की वैक्सीन लगती है बच्चे ये मॉडर्न मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मम्स पढ़ रहे थे तो अगर इसको छोड़ के जाते तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती जब बच्चा नब्बे महीने में होता है एम एम आर मम्स मिजल्स रूबेला की वैक्सीन लगती है ठीक है मम्स के मैंने कन्फेड हो गए मिजल्स के मैंने खसरा हो गया रूबेला एक वायरल डिजीज है इसी तरह की उसमें उससे ये तीनों से बचाती है एक ही वैक्सीन ठीक है ये तीनों से बचाती है एक ही वैक्सीन मम्स मिजल शुरू पहला और ये सरकारी तौर से लगती है गवर्नमेंट तौर से फिर सरकारी अस्पतालों में फ्री लगती है अब हदबुल उजुन हदब कहते हैं ऊंचाई को उजुन कहते हैं कान को हदबुल उजुन का मैंने हदब क... उ, उ, उल को छोड़ दीजिए उल कोई चीज नहीं है आप हदब उजुन को समझिए हदब, हदब उजुन हदब के मैंने क्या होता है हदब के मैने होता है मतलब अगर ऊंची आवाज सुने तो देखिए जो उल है ना उल मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन तोड़ता हूँ उल अरबी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हमें इसको इसलिए छोड़ के चलना है क्योंकि हमें यहाँ पे अरबी बोलनी नहीं, नहीं है हमें सिर्फ इनके जरिए से बीमारी का नाम समझना है इसलिए अगर हम उल का भी तर्जमा करेंगे या इसका भी मतलब एक तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सिर्फ मतलब इसी में उलझ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उल को समझ लीजिए कि ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए बना है हदब उजुन, हदब और उजुन. हदब उज़ुन उज़ुन और के मैंने ऊंचा ठीक है उजुन के मैंने कान यानी कि जब कान ऊंचा सुने जब कान ऊंचा सुने तो उसको क्या हो तकलीफ हो देखिए क्या होता है नॉर्मल टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ इयर इज 85 फाइव डेसीबल यानी कि जो हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो हमारी नॉर्मल कान को सुनने की जो कैपेसिटी है ना वो पिचासी डेसीबल है प्लीज ध्यान दीजिए सुनने की जो यूनिट है जिस तरीके से जिस तरीके से पानी को लीटर में नापते हैं गेहूं को किलो में तोलते हैं इसी तरह जो सुनने की इकाई है सुनने की इकाई है डेसिबल ठीक है तो हम नॉर्मली जो आवाज सुकून से सुन लेते हैं वो पिचासी या नब्बे डेसिबल होता है इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ ईयर इज एटी फाइव ठीक है, है? नॉर्मल कान सुनने की अक्षमता पिचासी डेसीबल होती है नॉर्मल जो हम सुनते हैं अगर एक सौ चालीस डेसीबलर तक इंसान बर्दाश्त कर, कि कर लेता है यानी कि इंसान कितनी बर्दाश्त कर लेता है 140 डेसिबल तक डेसीबल अगर 140 डेसिबल से ऊपर की आवाज के सामने आदमी को खड़ा हो जाए तो कान के पर्दे फट जाए और आदमी सुनना बंद हमेशा के लिए खत्म तो आदमी बर्दाश्त कितना कर सकता है नॉर्मली जो सुन सकता है आदमी नब्बे तक सुन सकता है उससे ऊपर नहीं तकलीफ होने लग जाती है लेकिन एक सौ चालीस के बाद उसकी कैपेसिटी खत्म कान के पर्दे फट जाते हैं ठीक है तो एक सौ चालीस क्या है डेसिबल तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है और नॉर्मल टोलरेंस कैपेसिटी क्या है नॉर्मल टोलरेंसिटी एट्टी फाइव और कहां तक बर्दाश्त कर सकता है एक सौ चालीस तक अब ये जो हदबुल उजुन का मरीज है हदबुल उजुन का मरीज को जो है ना जो चीज नॉर्मल आदमी बर्दाश्त कर लेता है वो हदबुल उजुन का मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता देखिए जैसे कि बेडरूम है आप प्लीज ध्यान दीजिए बेडरूम की जो डेसिबल रखते हैं वो पच्चीस रखते हैं क्योंकि बेडरूम में बहुत आहिस्ता बोलते हैं लोग इसी तरह जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी डेसीबल भी पच्चीस होती है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में भी चीख कर नहीं बोलते क्योंकि मरीज का इलाज हो रहा होता है ठीक है जो हमारी बैठक होती है जो बाहर वाला कमरा होता महमान, महमान है जहाँ मेहमान मेहमान बैठते हैं क्योंकि मेहमान से थोड़ा सा सही बात करनी होती है ना हल्की आवाज़ रखनी होती है ना तेज़ तो वो फोर्टी फाइव डेसीबल होती है ठीक है इसी तरह क्लास रूम जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये भी नियर अबाउट फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी तक की डेसीबल यानी कि नॉर्मल फोर्टी फाइव डेसीबल है ठीक है तो हमारी बोलने की जो अक्षमताएँ हैं इनको डेसीबल में बांट दिया गया है उजुन को के मरीज़ में तेज़ आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता यानी कि हदबल का जो मरीज़ है वो तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हदबुल उजुल में मरीज जो है तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता एक एक बीमारी का नाम है कमूर ध्यान देना कमूर एक आंखों की बीमारी उसमें क्या होता है चौद लगने लग जाती है आदमी जो है ना जैसे घर से बाहर के निकल चलेता है वो आंखें बंद बंद कर जैसे अंग्रेजी नहीं देखे अंग्रेज अगर आपने कभी लाल किले वगैरह पर देखे हो तो अंग्रेजों की आंखें नहीं खुलती क्योंकि उनको चौद बहुत ज्यादा लगती है ठीक है तो इसको बोलते हैं कमूर लेकिन हमारे जो इंडियन है इंडियन को इंडियन अपनी आंखों को इतना बंद नहीं करते जितना अंग्रेज कर लेते हैं ठीक है तो ये इसे क्या बोलते हैं इस इसको क्या बोलते हैं कमूर कमूर यानी के चौधिया वाला मरीज यानी के चकाचौ वाला मरीज तो जो चका वाला मरीज है चूंकि इसमें रोशनी बर्दाश्त नहीं होती कमूर यानी के चकाचौ वाले मरीज में क्या बर्दाश्त नहीं होती रोशनी बर्दाश्त नहीं होती इसी तरीके से जो हदबुल उजुन है इसमें आवाज आप प्लीज ध्यान दीजिए जो हदबुल उजुन है उसमें क्या सुनाई उसमें क्या बर्दाश्त नहीं होता उसमें आवाज बर्दाश्त नहीं होती और कमूर में रोशनी बर्दाश्त तो दोनों कमूर यानी कि नजर वाला यानी कि रोशनी वाली बीमारी और हदबुल उजुन यानी कि सुनने वाली बीमारी क्योंकि हदबुल उजुन के मरीज को जो नॉर्मल हम बात करते हैं ये आवाज भी तेज लगती है हदबुल उजुन का मरीज कहेगा इतनी तेज मत बोलो मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं ठीक है तो हदबुल उज़ुन यानी के ऊंच उच, यानी के ऊंची आवाज़ में सुनने में तकलीफ होना और कमूर यानी के चक्काचोंद यानी के धूप दू, यानी के धूप में आंखें ना खुलना दोनों एक जैसी बीमारी है उसको उसको रोशनी से प्रॉब्लम है इस कमूर वाले को रोशनी से परेशानी है और हदबुल उज़ुन वाले को आवाज़ से परेशानी है दोनों एक जैसी बीमारी है यानी कि मुशाब बीमारी है मुशाबा यानी कि मिलती जुलती बीमारी है ठीक है कमूर और हद उजुन अब कुछ टर्मोलॉजी है जैसे कि इनखलाउल उजुन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईयर यानी कि कान का जड़ से पकड़ जाना कोई यहाँ से कान पकड़ के फाड़ दे उसको बोलते हैं यूनानी में इनखला उल उजुन उल को छोड़ दीजिए इनखला उजुन इनखला कहते हैं फाड़ देना ठीक है यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईयर इनकसारुल उजुन मिलते जुलते हैं इनकसारुल उजुन यानी कि कान का टूट जाना उसका मतलब था कान का फट जाना उखड़ जाना इसका मतलब कान का टूट जाना टूटना मतलब फ्रैक्चर हो जाना फ्रैक्चर ऑफ कार्टिलेज ऑफ ईयर ये जो ये जो ये कार्टिलेज है ये नरम नरम जो हड्डियां हैं इसको कार्टिलेज बोलते हैं अगर ये हड्डियां टूट जाए तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ कार्टिलेज ऑफ ईयर इसको बोलते हैं इनकसार के कोई मायने नहीं है इनकसार के मैंने टूटना उजुन के मैंने कान का टूटना जब ये टूट जाए और ये पूरा का पूरा कान फट जाए सुन रहे समझो देखो अगर कान पूरा का पूरा फट जाए ठीक है तो क्या है इनखलाउल उजुन खला पैदा होगा फट गया और انكثار जब कान की हड्डियां टूट जाए ठीक है अगर इनखलाउल उजुन यानी कि कान का फट जाना डिस्प्लेसमेंट है और कान का फट टूट जाना क्या है फ्रैक्चर ऑफ कार्टिलेज ऑफ ईयर है अब एक क्या होती है पुलाउल उजुन पुलाउल उजुन किस पुला के मैंने पुला जो है पुला के मैंने होता है बुआना इसमें क्या होता है सफेद सफेदी ठीक है तो इसको मुंह में भी ऐसी सफैद सफैद सा हो जाता है। आप प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स प्लीज स्टोमेटाइटिस में मुंह आने में मुंह में फंगल हो जाता है मुंह सफेद हो जाता है इसी तरीके से फुलाउल उजुन यानी कि कान जब कान के पीछे सफेद सफेद सा हो जाता है तो इसको कुलाउल उजुन यानी के कान का आना और स्टोमेटाइटिस यानी के मुंह का आना क्योंकि कुला के मैंने होता है यानी के मुंह का आना लेकिन कुलाउल उजुन यानी के कान का आना ठीक है ये वो बीमारी है जिसमें सफेद पदार्थ कान की जड़ से निकलता है इधर से पीछे की तरफ अंदर से नहीं पीछे से जिसमें कान की जड़ फट जाती है ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है ये पूरा का पूरा हो गया है इसमें कोई स्टूडेंट को कोई चीज समझ में नहीं आई हो क्योंकि तो सवाल तो इसमें से आप ये मान के चलिए एग्जाम में ज्यादातर आती है कोई स्टूडेंट को किसी चीज नहीं आई हो अपने अपने माइक जो है अनम्यूट करके मुझे पूछ लीजिए मेहंदी कुछ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए प्लीज मेहंदी माइक का का... इसको इसको का मेहंदी मेहंदी आप किसी मेहंदी कुछ पूछ रहे हैं क्या मुझे आप माइक 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 नहीं सर पूछ पूछ नहीं रहा हूं सर अच्छा अच्छा जी 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 आप कुछ पूछ रहे हैं